माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वही ट्रैवल आरजे गीत की वर्चुअल गेड़ी। सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर। चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप लोगों ने भी मेरे साथ ट्रैवल कर रखा है मेरे चैनल के थ्रू। और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल। जब से दुनिया घूमनी शुरू की है ना, जिंदगी और भी बेहतर और मजेदार हो गई है। अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए दुनिया घूमना कितना जरूरी। पंजाबी कहा रोटी खाओ ना खाओ पर घूमो जरूर। You wear a locket shape of an aeroplane, है ना? My favorite part. If you see my room, you will find everywhere aircraft, everything related to, you know, travel. मेरा favorite है यार, मैं क्या करूँ? यार मुझे ऐसे लग रहा है लोग मंगलसूत्र पहनते हैं ना, तो मैं इसके साथ ये मेरा मंगलसूत्र है। मेरे पति को मैं डिवोर्स दे सकती हूँ, इसको डिवोर्स भी दे सकती हूँ। So, इस ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। ममता, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक प्यारी सी आवाज, एक द यूट्यूबर मेरे साथ है ना। थैंक यू सो मच। यही मैं कहना चाहूंगी कि जो चीज मैंने जिंदगी में पहले मिस की ना, जब तक मैंने ट्रैवल नहीं करा, अच्छा, वही चाहती हूँ कि लोगों को मैं अपनी इन बातों से उस जर्नी पे खुद आपके साथ ले जाऊं और उनको मजबूर कर दूं कि वो जिंदगी में निकल के ट्रैवल जरूर करें। ममता, जब अपनी पहली बात हुई थी तो यू टोल्ड मी दैट यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, है ना, और तुम्हारे इस ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है मुझे वो लगाना याद आता है, वो था ना बचना या सीनों का था ना, छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, मतलब नचा कह रही है, घूम रही है। आज से पहले किसी ने ये कहा है तुम्हारे ऊपर ये गाना सूट करता है? एग्जैक्टली। माय गॉड, आपने बस सुना दिया तो मैं मतलब बागो बाग हो गई, खुश हो गई। गाना तो मेरे किसी ने नहीं गाया, बट यस इंडीड, मैं मोगा से हूँ, बहुत ही छोटे से घर से, बहुत ही छोटे से टाउन से, और ज्यादा बड़ी सोच वाले लोग नहीं थे मेरे आसपास। और ट्रेवल का मतलब तो आप दूर जाने, मोगा से फिरोजपुर तक जाना भी मेरे लिए उस टाइम पे मुझे लगता था कि हाय मुझे मोगा से फिरोजपुर मेरे नान के जाना है तो मैं नहीं जा सकती। आई यूज टू हेट ट्रेवल, बस पे ट्रेन पे नहीं जाना था और इस प्रोफेशन में भी नहीं आना था। और उस टाइम पे ट्रेवल करने का तो टीवी नहीं पता था, लेकिन जब जिंदगी ने करवट बदली और इस तरफ को मुझे मोड़ा और अब मुझे लगता है कि मुझे बस ट्रेवल ही करना है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करना है। ममता, तुम्हारी बातें सुनकर ये बात एकदम सही लगती है कि किसी ने कहा था कि दुनिया एक किताब है और जो ट्रैवल नहीं करते वो केवल इसका एक ही पन्ना पढ़ते हैं। हम पन्ने पढ़ रहे हैं, कहानी जान रहे हैं, इनकी दुनिया के साथ सफर कर रहे हैं। सुनते रहे माय एफएम पर जब वी ट्रैवल, आरजे गीत के साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल गेड़ी। सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर। चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल। 30 से ज्यादा कंट्रीज आप ट्रैवल कर चुके हो। कभी एक छोटे से शहर की लड़की जो कि शायद अपने सपनों को ज्यादा ज्यादा ये सोच लेती है कि मैं कभी बाहर जाऊंगी, उसने कभी बाहर नहीं, उसने तो कई बार बाहर जाने के सपने को पूरा किया। और स्पेशली जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी आपने इसके साथ शुरुआत की, हाउ वाज दैट? मुझे लाइफ में कुछ करना था और आप जैसे पंजाब जानते हो, अभी भी लड़कियों को मतलब सारे घरों में इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से घूम लो, बाहर चले जाओ, किसी से मिल लो, या इनफैक्ट उस टाइम पे तो किसी को एक फोन कॉल देना या किसी से मिल लेना बहुत बड़ी बात होती थी। से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात तो दूर, इनफैक्ट उनको ये भी कहना कि मैंने आगे पढ़ना है या मैंने लाइफ में कुछ करना है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन मैं थोड़ी रिबेल थी, थोड़ी डीट थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइम आ गया है। आई वॉज आई थिंक 16 या 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई लेफ्ट माई होम। मोगा में मैंने अपना घर छोड़ा, मैं लुधियाना में एज अ पीजी रही फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू बिकम एयर होस्टेस। था मुझे पता था कि ये स्टेप मैंने घर से बाहर निकलने का लिया है, मुझे वापस आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वो रिस्क मैंने लिया लाइफ का और मेरे लिए बहुत ही वो लकी साबित हुआ। लुधियाना से मेरी जर्नी शुरू हुई और अबू धाबी में पहुंच गई 9th of January 2005 को। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि मैंने वो इतना डिफिकल्ट टाइम जो मैंने गुजारा लुधियाना में, तीन तीन दिन बिना खाना खाए पैसा जोड़ने के लिए, तो उस सब ने मुझे पे ऑफ कर दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया इंटरनेशनल एयरलाइन में, यहाँ की नेशनल एयरलाइन में एज अ कैबिन। किसी ने बिल्कुल सही कहा है और तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है कि सफर जितना कठिन होगा ना, जीत उतनी शानदार होगी, और सफर की कठिनाइयाँ मंजिल की खूबसूरती बन जाती है, जो कि खूबसूरती ये तुम्हारी मंजिल ने तुम्हें दिखाई है। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल गेड़ी। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल गेड़ी।
सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर। चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल। व्हाट डू यू प्रेफर, आपको सोलो घूमना ज्यादा पसंद है और यू आर अ ग्रुप ट्रैवलर? आई लव टू ट्रैवल सोलो, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती कि मैंने तैयार होना है, तुम 10 मिनट रुक जाओ। मैं उनमें से हूँ कि मेरा रात को नींद नहीं आ रही तो निकल जाओ। सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन अराउंड मी हू कैन रिस्ट्रिक्ट मी। आई डोंट लाइक टू बी टोल्ड ऑफ। इन फैक्ट आई नेवर एंजॉयड ट्रैवलिंग विद माई हस्बैंड। दो ही ट्रैवल विद मी, पर होता क्या है ना, जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं कि हम लोग बहुत ऑन द गो होते हैं, विल थिंक लेट्स डू इट, सो वी डोंट रियली प्लान कि ये उठाना है, ये चीज साथ में चाहिए, ये नहीं चाहिए, चप्पल है पजामा है उसके साथ भी निकल जाते हैं। द पीपल हु लव ट्रैवल आर मोस्टली बैकपैकर्स, दे विल जस्ट बी ऑन द गो, यू नो। बट हस्बैंड्स या फैमिली के साथ थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन रहती है, उनको रहता है नहीं अभी मैं उठा हूँ, पहले मुझे एक कप चाय तो पीने दो, मुझे ब्रेकफास्ट तो करने दो। अभी तक आई मीन आई एम अ मदर ऑफ 6-year-old और मेरे हस्बैंड भी हैं, बट अगर मैं कह सकती हूँ ऑनेस्टली आई लव टू ट्रैवल अलोन। ये ऑनेस्टी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ऑनेस्टी ना के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां सिर्फ अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती, बस कहती रहती है कि यार मुझे कोई घुमाने नहीं लेकर जाता, लेकिन आप ये बताते हो कि कहीं नहीं लेकर जाता तो खुद चले जाओ घूमने के लिए। एग्जैक्टली, देखो जिस सोसाइटी से आप और मैं आते हैं वहाँ पे एक विमेन हमेशा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूछे, वो इजाजत ले, पहले माँ बाप की इजाजत की वो वेट करती है जब वो कुंवारी होती है, शादी के बाद सास ससुर की वो इजाजत की वेट करती है या पति की इजाजत की वेट करती है। मैं इसको गलत वे में नहीं कह रही, लेकिन मेरे ख्याल से एक विमेन का भी अपना एक स्टैंड होना चाहिए लाइफ को लेकर, कि वो जिंदगी में क्या चाहती है। हमेशा वो बच्चों के लिए जीती है, माँ बाप के लिए जीती है, सोसाइटी के लिए जीती है, कभी वो अपने लिए भी तो जी के देखे कि मैं क्या करना चाहती हूँ। कहते हैं नेवर हियर व्हाट पीपल से अबाउट अ प्लेस, यू गो एंड सी इट, यू गो एंड सी इट, राइट राइट। एंड ट्रैवल इज एन इन्वेस्टमेंट, यू डोंट बाय अ चेन, यू डोंट बाय अ डायमंड, believe me, you buy a trip and go and see the place na, that is better than any other property and money and cars you have. यार ये एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो सच में कहती हूँ कि मुझे बर्थडे का गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे घूमने का पैकेज दे दो। बिल्कुल सही कहा। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी। सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर। चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल। मैं देसी बन रही हूँ, अपने देसी देश की पैदावार हूँ मैं, साग और मक्की की रोटी खा के भाई मैं पली बड़ी हूँ, तो अपना भी देसी स्टाइल है। मैं ज्यादा वेट नहीं करती कि भी परफेक्ट लुकिंग वीडियो बनेगी तो ही डालूंगी, ना भाई। जब मुझे लगता है ना कि किसी को मुझे मतलब मोटिवेट करना है, तो मैं एक सिंपल वीडियो से भी मोटिवेट कर देती हूँ कि भैया अपने कम्फर्ट जोन से निकलो एंड डू समथिंग इन लाइफ, डोंट जस्ट सिट एंड वेस्ट योर टाइम सिटिंग होम सिपिंग टी, डू समथिंग, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, गेट आउट, डू समथिंग। तो उसी मोटिवेशन में ही मेरे इतने वीडियोज जो आपने देखे हैं मेरे चैनल ट्रैवल विद ममता पे, वो सारे 1200 से ऊपर के वीडियोज इसी तरह ही आए हैं, बिकॉज I was never in my comfort zone. अभी 3 साल से ज्यादा मैं उस चैनल को चला रही हूँ। That's wonderful यार, ये तो बातों में एक अच्छी सी लर्निंग मुझे भी मिल रही है कि it's like do quickly, जो दिमाग में आ रहा है उसको इतना प्लान ना करो कि वो बेचारा खत्म हो जाए और कह दे कि बाय बाय, इससे अच्छा उसको फटाफट से कर डाले। सो फटाफट से कर डालने की बात हो तो आई डू गीत हाई फाइव, 5 चीजें फटाफट से तुम्हें उठाकर लेकर जानी है। इतनी कंट्रीज में घूम चुके हो, कौन कौन सी 5 चीजें होंगी मैंडेटरी? 5 चीजें मैंडेटरी। सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट मत भूलो और अपने चार्जर को मत भूलो, फोन के चार्जर को, ऑफकोर्स कैश यू विल नीड योर क्रेडिट कार्ड, एंड इफ यू आर अ वुमन डोंट फॉरगेट योर मेकअप, यू माइट मिस इट। वाओ, ऑल्सो कैरी योर आई शेड्स, यू नो, अपने सनग्लासेस मत भूलो, बिकॉज़ यू नीड देम एवरीवेयर। यस, माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी। सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर। चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल। सो कभी ऐसा हुआ है ममता, यू हैव ट्रैवल मोर देन 30 कंट्रीज, सो कभी किसी कंट्री में जाकर ऐसी सिचुएशन आएगी यार बुरे फंसे? देखो ऐसा तो कभी नहीं लगा कि फंस गए, क्योंकि हर जगह पे आई लव टू टेक रिस्क, जो कि मेरी फैमिली को पसंद नहीं आएगी ये बात मैं कहूंगी, तो आई लव टू टेक रिस्क। मैं बिंदास निकल जाऊँ
जाती हूँ. सो आई वॉज इन लेगोस, आई वॉज इन वियतनाम, आई वॉज इन ब्राजील, जहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली बोला गया था कि आपने होटल से बाहर नहीं निकलना है बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू गो आउट. Okay. मतलब वो आपका सामान छीन के भाग सकते हैं. मैं क्या करती हूँ, आई गो विद द फ्लो. तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो निकल के देख ही लूँ. तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, नॉट इन दीज कंट्रीज विच आर वेरी वेरी डेंजरस वंस, बट एक बार मैं म्यूनिक में थी और मैं नई नई थी, मेरी एक्चुअली फर्स्ट फ्लाइट म्यूनिक था. म्यूनिक में मैं एक बार चलती गई लेक के साइड साइड में, वॉक कर रही हूँ मॉर्निंग में. तो वॉक करते करते इतना ब्यूटीफुल सा गेट बना हुआ, आई एंटर द गेट, फूल ही फूल है, व्हाइट कलर के स्टैचूज बने हुए हैं, मतलब आई फील लाइक आई एम इन अ हेवन. फ्यू मिनट्स लेटर आई रियलाइज इट वॉज अ ग्रेवयार्ड. यस, इट वॉज अ ग्रेवयार्ड, बट इट वॉज सो ब्यूटीफुल. फ्लावर्स, people were coming to visit their, you know, parents' graveyard or brother or sisters. By the time I realized, oh my god, I was just too scared. But it was so beautiful, I just couldn't make it like what it is. और एक इंसिडेंट जब मैंने 500 यूरो का नोट खो दिया. 500 यूरो इज अ बिग अमाउंट. किसी गोरे की जेब में 500 यूरो का नोट कभी नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको. आई गॉट दोज टू स्पेशल नोट्स फ्रॉम अ बैंक, अपना मनी देके. आई वांटेड टू कीप देम एज अ सुवेनियर एंड आई वाज इन मिलान इटली, और वहां पे एक मैं जगह विजिट कर रही थी एंड देयर आर सम गाइस, दे विल कम एंड दे विल गिव यू, वो कबूतर कबूतर से आपको दिखाने लग जाते हैं आपके हाथ पे बैठ रहा है. And you pay attention to that and those guys will pick your pocket. And that's what happened with me. So they took away my 500 euro ka note in a second. Kabutar ke saath hi jada mera 500 euro ka note chala gaya. These two incidents are very close to me. Other than that, yeah, I've been in trouble many times, but I don't want to mention anything. I don't want to scare people. But yeah, you get in trouble, you come out somehow. बहुत थ्रिलिंग है यार. उस टाइम पे हमारे बुरे हाल हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करके ऐसे हंस रहे होते हैं ना. दीज आर मेमोरीज. माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी. माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी. सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा, आप सबकी चहेती यूट्यूबर. चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता. मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल. अब मुझे ये बता डालो ममता, आपने दुनिया जान देख लिया है, 30 से ज्यादा कंट्रीज आप ट्रैवल कर चुके हैं, कोई तो ऐसी जगह होगी जिससे आपको प्यार इश्क मोहब्बत हो चुका होगा आफ्टर योर हस्बैंड, जहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यही रहते ही जाके मैं बस जाना है. अगर मैंने कह दिया ना कनाडा तो टिपिकल पंजाबी कमेंट हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में किसी से पूछना ना जी आपने कहां जाना है. कनेडा. कहाँ सेटल होना है? कनेडा. तो मैं कनेडा में यही बोलूंगी यार, एक्चुअली दुनिया के इतने शहर सुंदर सुंदर है ना, इतना यहाँ बसना है ये सबसे प्यारी लगती है, लेकिन दूसरी जगह जाओ तो लगता है यार ये उससे भी प्यारी है. इटली वेनिस शहर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पानी के ऊपर ब्यूटीफुली सिटी डिजाइन है. मैंने ऐसी चीज जिंदगी में नहीं देखी. अगर मैं लंदन के बाद कहूँ कि कहीं मैं रह सकती हूँ, मैं बसना चाहती हूँ, तो वो वेनिस होगा, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल. पानी के ऊपर मैंने बना हुआ शहर कभी नहीं देखा था जिंदगी में. सो दैट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू मी. एंड ऑल्सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई नानी का घर, जिसके अच्छा? घर में जाने से पहले छोटी छोटी गलियां होती थी. एंड वेनिस में भी वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं. लाइक इफ यूर डाइनिंग इन अ रेस्टोरेंट, इज वेरी टाइनी, स्मॉल टेबल्स, स्मॉल स्मॉल चेयर्स एंड वेरी पर्सनल टच टाइप ऑफ पीपल. यू नो दे'ल कम, दे'ल कॉम्प्लीमेंट, दे'ल टॉक टू यू, देर वेरी वेरी फ्रेंडली. आई वुड से वेनिस इज द प्लेस मैं जहां पे सोचती हूँ कि मैं अगर पति को छोड़ दूंगी तो मैं वेनिस में रह सकती हूँ. आपके इस वीडियो के बाद ना उन्होंने बीपी चेक कर लेना, उतने नीचे हो जाना है बहुत बार. माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी. माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल, आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी. सो हाय गाइस, मैं हूँ ममता सचदेवा और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ. लोग ये नहीं समझ पाते कि ट्रैवल क्या है. ट्रैवलिंग इज योर टीचर. जैसे आप एक टीचर क्लास में जाके उसको सुनते हो, उससे कुछ नया सीखते हो, कुछ समझते हो, वैसे ही जब आप ट्रैवल करते हो तो आप जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में और वहां के खाने पीने के बारे में भी सीख के आते हो. तो कभी किसी से पूछो मत कि ये जगह कैसी है, खुद जाओ उसको एक्सप्लोर करो, उसके बारे में सीखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. यस yes, और ऐसे ही जिंदगी को बदला है, बेहतरीन बनाया है इस खूबसूरत जर्नी ने भी, जिसे हर पल जी रही है ममता. अब एक बार मुझे और बता दो कि जब भी ट्रैवल करते हो किताब लेकर जाते हो या ज्यादा गाने सुनते हो? बीइंग अ ट्रैवलर एंड बीइंग अ ब्लॉगर, फ्लाइट का टाइम जो होता है दैट आई यूज टू प्लान कि मैंने वहां जाके क्या करना है. सो आई मेक लॉट ऑफ नोट, सो मोस्टली मेरा टाइम इसमें जाता है. बट इफ आई हैव स्पेयर टाइम आई लव टू लिसन टू म्यूजिक. फेवरेट सिंगर
हाय मैं मर जावा गुड़ नाल इश्क मिठा मलकीत सिंह नु केड़ा भूल सकदा यार सो नाइस ना ये मेरा फेवरेट ट्रैक है हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते रास्ते वेरी नाइस यार Whenever I was in Delhi, so I used to travel in bus. उस टाइम मेट्रो नहीं होती थी तो आई यूज टू लिसन टू दिस सॉन्ग सो मच कि मुझे वो बस का ट्रैवल भी अच्छा लगता था कि माई डेस्टिनेशन से ज्यादा अच्छा मुझे लगता था कि मैं घूम लूँ है ना सो नाइस यार यू गिवन मी टू सॉन्ग्स टुडे सो नाइस सो आई रियली विश यू आप अपनी लाइफ में और ट्रैवल करो और वीडियोज अपलोड करो और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ और हमसे बातें करते जाओ एंड यस समवेयर हम ऐसे वाला मिल रहे हैं आई रियली विश कि कभी कोई ऐसा दिन आए जिससे हम ये बीच की दीवार ये सोशली डिजिटली कनेक्शन को छोड़कर हम पर्सनली भी एक दूसरे से जरूर मिले बहुत ही अच्छा गीत जब मुझे इनफैक्ट किसी ने बताया था आपके बारे में आई फेल्ट सो गुड आई एम लाइक वाओ आई एम गोना स्पीक टू गीत और आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपने इतने अच्छे क्वेश्चन मुझे पूछे थैंक गॉड यू डिड पुट मी इन ट्रबल सो बहुत मजा आया एंड आई विश एंड प्रे ये कोरोना वायरस का कहर जल्दी खत्म हो मैं खुद वेट कर रही हूँ कब मैं पंजाब का चक्कर लगाऊ इस साल मेरा पंजाब का चक्कर भी मिस हो गया कोरोना के चक्कर में देन ऑफकोर्स आई वुड लव टू मीट यू टू गिव मी हाई फाइव हाई फाइव माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जब वी ट्रैवल आरजे गीत की वर्चुअल घेड़ी सो हाय गाइस मैं हूँ ममता सचदेवा आप सबकी चहेती यूट्यूबर चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता मैंने ट्रैवल कर रखा है मोर देन 30 कंट्रीज और आप लोगों ने भी मेरे साथ ट्रैवल कर रखा है मेरे चैनल के थ्रू और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे गीत के साथ इन जब वी ट्रैवल जब से दुनिया घूमनी शुरू की है ना जिंदगी और भी बेहतर और मजेदार हो गई है अपनी दुनिया की बेहतरी के लिए दुनिया घूमना कितना जरूरी है पंजाबी कमा दे रोटी खाओ ना खाओ पर घूमो जरूर यू वेयर अ लॉकेट शेप ऑफ एन एरोप्लेन है ना फेवरेट फेवरेट वन यू सी माय रूम यू विल फाइंड एवरीवेयर एयरक्राफ्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू यू नो ट्रैवल मेरा फेवरेट